लगातार तीसरी हार के बाद टीम के कोच सचिन तेंदुलकर इतनी ज्यादा गुस्से में नजर आए कि बीच मैदान पर ही हार्दिक पांड्या की फटकार लगा दी। हार्दिक पांड्या की ऐसी लगाई कि पूरे मैदान में नीता अंबानी से लेकर हर किसी व्यक्ति के होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। रोहित शर्मा भी पूरी तरह से हैरान थे। तो चलिए बताते हैं, सचिन ने अब खुद इसका बड़ा खुलासा किया है, तो चलिए बताते हैं क्या बोले सचिन हार के बाद। लेकिन अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मुंबई इंडियंस की टीम के सितारे इस सीजन गर्दिश में चल रहे हैं। हार्दिक को कप्तान क्या बनाया, टीम तो जितना ही भूल गई। शुरुआती दो मुकाबले में बुरी तरह से हार मिली थी और उसके बाद सबको लग रहा था कि मुंबई इंडियन अपने घरेलू मैदान पर अपनी काया को पलटने में कामयाब रहेगी। लेकिन वही हुआ जिसका हर किसी को डर था। मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले को भी जीतने में नाकाम रही। बल्लेबाजी तो बिल्कुल शर्मनाक रही। रोहित शर्मा, ईशान किशन, ब्रेविस और नमन 20 रन के स्कोर पर ही पवेलियन लौट चुके थे। 14 रन की परी हार्दिक ने जरूर खेली, लेकिन टीम 125 से ज्यादा स्कोर बना ही नहीं था कि इसके जवाब में 4 विकेट खोकर बड़े ही आसानी से राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस मुकाबले में जीत हासिल करी। रियान पराग ने 54 रन की पारी खेली, जिसके बाद काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए सचिन तेंदुलकर ने कान हार्दिक को आधे हाथों ले लिया। बीच मैदान पर सभी के सामने काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाई, यहाँ तक की सचिन हाथ का इशारा करते भी नजर आए। लेकिन इन सब के बीच सचिन ने खुद बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा, टीम का प्रदर्शन तो शर्मनाक रहा, लेकिन हार्दिक की कैप्टेंसी भी। जब 4 विकेट आपके शुरुआत में गिर चुके हो तो इतनी ज्यादा एग्रेसिव बल्लेबाजी करने की जरूरत ही नहीं होती। आपको पारी को ऐसा नहीं किया और उसके बाद गेंदबाजी में छोटा स्कोर जब आपके पास होता है तो टीम के सबसे अनुभवी और अच्छे गेंदबाज को गेंदबाजी दी जाती है। लेकिन हार्दिक ने मफाका को गेंदबाजी के लिए बुलाया है, वह एक गलत फैसला था। मुझे लगता है कि हार्दिक का कप्तान बनना और मुंबई इंडियंस की टीम में आना ही हम सब के ऊपर भारी पड़ रहा है, सचिन ने इस तरह से फटकार लगाई। लेकिन आप बताइए, वास्तव में सचिन ने ठीक भी किया या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी की खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।